नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल बड़े और छोटे पर्दे का जाना पहचाना नाम है। दीपशिखा ने अपने उम्दा अभिनय से दर्शकों में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। गैंगस्टर, पार्टनर, बादशाह और कोयला में दीपशिखा का काम खास तौर से नोटिस किया गया था। एक्टिंग के साथ ही वह बतौर निर्देशक भी डेब्यू कर चुकी है। अब हाल ही में एक क्राइम शो की शूटिंग के चलते दीपशिखा भोपाल पहुंची। यहां खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया है। देखिए एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था, ऐसा तो मेरी मम्मी, आई कम फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड, मेरी मम्मी एक सीरियल बना रही थी एंड आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मुझे याद है, और मेरी मम्मी को था कि मैं हीरोइन बनूं, तो जबरदस्ती कैसे लेके आ जाती, तो मुझे उनकी फिल्म में आके एक सीन करवाया था जबरदस्ती। सो दैट टाइम एक्चुअली आई फेस्ड द कैमरा, बट लॉन्च मुझे देव साहब ने किया है गैंगस्टर फिल्म में। आज मैं इंडस्ट्री में हूँ देव साहब की वजह से, अगर वो मुझे कन्विंस नहीं करते तो शायद मैं एक्ट्रेस नहीं बनती, क्योंकि मुझे कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना था, मुझे आर्किटेक्ट या सिंगर बोल दो, सिंगर आई ऑलवेज वांट टू बिकम, बट एक्ट्रेस नहीं बनना था। बट डेस्टिनी हैज इट्स ओन थिंग एंड मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। तो 1994 में मैंने गैंगस्टर के लिए क्या बात की। अच्छा, आपने काफी सारी फिल्में की हैं, सीरियल भी किए हैं, वेरियस कैरेक्टर निभाए, लेकिन ऐसा कौन सा कैरेक्टर लगता है आपको जिससे लगता है आपको कि आपको एक रोल ने पहचान दी हो, लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो? सी, मेरा ऑफ कोर्स मेरी काफी फिल्में लोगों ने, मेरे से ज्यादा तो लोगों ने पहचान दी है। किसी को कोयला पसंद आती है, किसी को बादशाह पसंद आती है, कोई स्ट्रेंजली सम पीपल लव रिश्ते मेरी फिल्म है, बहुत सारे लोग सोनपरी देखते हैं, तो सब कोई सबकी अपनी एक फेवरेट चीज है। बट गॉड इज बीइंग काइंड, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, पॉजिटिव नेगेटिव रोल, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छा करना बाकी है। मतलब जो भी मेरा ऐसा रोल आता है, जैसे अभी फिलहाल मैं रंजू की बेटियां कर रही हूँ दंगल टीवी पर, तो ऐसा लगता है दिस इज द रोल, दिस इज मी, एंड इसके पहले मैं कर रही थी मैं भी अर्धांगी। तो एक पावरफुल कैरेक्टर होता है, बट इसमें देयर इज रोमांस, देयर इज पैशन, देयर इज मतलब सारे शेड्स है, तो अच्छा लगता है कि आज भी लोग लिखते हैं। बट मेरी ख्वाहिश है मुझे कॉमेडी रोल करना है, एंड पीपल हैव नॉट, लोग इमेज में हमेशा ग्लैमरस स्ट्रॉन्ग पावरफुल दीपशिखा दिखती है, बट दीपशिखा इज वेरी फनी, बहुत मैं हंसती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा वो एक एक ख्वाहिश मेरी बाकी जो पूरी हुई है। रियल लाइफ में पूरा पूरा कैरेक्टर तो रियल लाइफ रिलेट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा आता है, जैसे रंजू की बेटियां में ललिता है, ललिता अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर होता है ना, अरे आई कांट से ललिता इज दीपशिखा, बट ललिता के अंदर दीपशिखा की हरकतें हैं कि वो है, वो बहुत प्यार करेगी, बहुत फैमिली करेगी, तो ऐसा लगता है कि मैं उसमें अपने आप को थोड़ा देखती हूँ। अच्छा, बात कर रियलिटी शो, तो रियलिटी शो कितने रियल होते हैं? आप बिग बॉस में गई थी, मजबूरी में आप आई हैं? नहीं, रियलिटी शो इज वेरी रियल, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, इट्स अ मिथ, ये होता है आपको ही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, एक सिचुएशन दी जाती है और वो सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो एंड दैट बिकम्स कंटेंट फॉर द ऑडियंस, सो दैट इज वाई लोगों को पसंद आता है देखने के लिए। बट ये झूठ है कि ये रियलिटी शो एक्चुअल रियल। तो बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बिग बॉस का एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा रहा, दुनिया से कट के अलग रहने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं बोर्डिंग में रही हूँ और मुझे अकेले रहने की आदत है। बट जो सीखने को मिला ना कि आप रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस देते हो, वो गेम था, वो गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए था। तो जैसे लाइफ है, लाइफ ऐसा रहता है, बिग बॉस एक लाइफ है और हम उसके जो डायरेक्टर्स है वो सबको हैंडल कर रहे हैं, तो आई हैव लर्न सो मच, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। बिग बॉस से पहले मैं, किसी ने मुझे बहन बोल दिया तो मैं बहन बन जाऊंगी, मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीजें करूंगी, बट अब मुझे बिग बॉस का लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिंदगी भी एक गेम है, आपको सोच समझ के चलना चाहिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, बिग बॉस में जो रिलेशन बनते हैं कितने रियल और फेक होते हैं? क्या लगता है आपको कि वहां पे ऑब्वियसली गेम करने के लिए बनाते हैं रिलेशन लोग?
आई डोंट नो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट आप देखो कितने रिश्ते टिके, सिद्धार्थ और उसका देख लो, अभी अली था, अली का उसका, तो ऐसा नहीं रिश्ते बनते भी है, और फेक या नहीं फेक वो तो दो लोगों के बीच में होता है, कोई दो लोग कहीं ना कहीं तो मिलते हैं, चाहे वो बिग बॉस में मिले, आप साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो अटैचमेंट हो जाती है, और चाहे शो में मिलो चाहे कहीं पे भी मिलो, तो रिश्ते रखना तो दो लोगों के बीच में, तो वो उसके लिए कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप एक डायरेक्टर भी है, तो बीइंग अ वुमन आपके वुमन्स की जो प्रॉब्लम होती है वो उठाने के लिए कोई फिल्म बनाएंगे तो प्लान है आपका? मैंने बनाई थी ये फिल्म, ये दूरियां, लव आफ्टर डिवोर्स इज इट अ क्राइम, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ये था कि एक डिवोर्स लेडी है, उसके दो बच्चे हैं, वो क्या वापस जिंदगी नहीं जी सकती, और मैंने बनाया इसलिए था बिकॉज इंडस्ट्री पे फिल्मों का बहुत असर होता है आम जनता पे, तो जैसे आज भी टैबू कह जाता है, अगर कोई विडो है तो उसकी गलती है, डिवोर्स ही है तो लड़की की गलती है, लड़का डिवोर्स करता है तो माँ बाप लड़कियां देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर लड़की का डिवोर्स होता है तो कोई इतना जल्दी नहीं एक्सेप्ट करता, सब बोलते हैं आप संभाल लो, तो वो एक चीज थी, और आई एम सो हैप्पी कि मेरी फिल्म के बाद मुझे इतने मेल्स आए, बहुत सारी शादियां भी हुई, तो ऑब्वियसली अभी भी मैं आगे करूंगी, अभी यहाँ पे भोपाल में आई हूँ, क्राइम अलर्ट में प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अभी मेरी शूटिंग चल रही है, एंड क्राइम अलर्ट में भी हम लोग ने ऐसे टॉपिक उठाए कि कोई किन्नर का है, कोई पहलवान ससुर है, तो उससे भी कि ये चीजें मत कर, जो क्राइम हो रहा है तो आप कैसे उससे बच सकते हो, तो ये जो मेरे 5 एपिसोड है उसमें मैं खुद एंकर लिंक कर, तो जो मेरी तरफ से मैं समाज को दे सकती हूँ तो उसमें जरूर करूँ। आप एक ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा है, ऐसा कहा जाता है, तापसी पन्नू की बात कर रहे हैं या कंगना रनौत, ये कहा जाता है कि भले समानता की बात हो पुरुष और महिला में, लेकिन जब फीस की बात आती है तो वहाँ दोनों कलाकारों के बीच में काफी अंतर देखा जाता है, ये पाछड़ी आज भी होती है बॉलीवुड में, 100% बॉलीवुड में नहीं, पूरे हमारा देश क्या, पूरा पूरी दुनिया मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसमें आप कितना भी बोल दो 21st century है, औरतों को कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, ये नहीं होता, आप दूसरी औरत को हमेशा तारीफ करोगे, लेकिन आपके घर में माँ या बहन होगी आप बोलोगे नहीं करने के लिए, दिस इज द रियलिटी एंड बहुत हिपोक्रेट सोसाइटी, तो ठीक है इंडस्ट्री में हमारे हीरो चलते हैं, लेकिन अभी जैसे ट्रेंड चला है दीपिका पादुकोण, कंगना देख लो, प्रियंका चोपड़ा देख लो, बहुत सारी आलिया भट्ट देख लो, वुमन ओरिएंटेड फिल्म लोगों को अच्छी लगने लगी है, वेब सीरीज हो टीवी सीरियल हो, तो ऐसा नहीं क्योंकि काम के मामले में एटलीस्ट आइडेंटिटी मिली है कि लड़का लड़की सच्चा काम करते हैं, बाकी सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए तो सबको लड़ना ही पड़ता है। वेब सीरीज अ वेरी गुड मार्केट, क्योंकि लॉकडाउन जैसे हुआ घर घर में आप पहुंचते हो, तो वेब सीरीज एक नया, एक तरह से आप छोटी फिल्म देख रहे हो और वो नया ट्रेंड चला हुआ है, तो अच्छा होता है कि एक्टर के लिए भी अच्छा होता है कि एक चीज खत्म हो जाती है, हम नई शुरू करते हो, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द एक्टर्स। लेकिन नुडिटी, नुडिटी और सेक्स वायलेंस भी काफी बड़ा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है ना, कुछ कुछ आप कॉमेडी भी बनती है वेब सीरीज, इमोशनल भी बनती है, बट लोगों को हमेशा सेक्स एंड थ्रिलर देखना अच्छा है, तो अभी तो सेंसर आ गया है, पहले ओटीटी पे सेंसर नहीं था तो थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट होते थे, बट आई थिंक अभी सेंसर आ गया है तो कंट्रोल हो गया, सो इट्स गुड थिंग एंड जिसको जो देखना है वो, मैंने तो बहुत सारी कॉमेडी सीरियल्स भी देखी, वेब सीरीज भी देखी है, तो जिसका जो मन करे वो देखे। फिलहाल तो मैं रंजू की बेटिया कर रही हूँ जो डेरी सो पे, जब अभी डेरी सो पे था एक नौकरी पे लग जाता और कुछ कर नहीं पाता। आई एम प्रोड्यूसिंग क्राइम अलर्ट, आई एम प्रोड्यूसिंग वेब सीरीज फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो मेरा कॉन्सेप्ट है और डेवलप किया गया है, तो ये करूँगी, उसमें मैं भी एक्ट करूँगी, तो आई वुड लव टू, मतलब वेब सीरीज करने का अच्छा लगता है कि नई कहानियां हमेशा कर सकते। यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड कीपिंग मी इन योर प्रेयर्स, आप लोग ने हमेशा मेरे काम को सराहा है और ऐसे ही सहारते रहिए और ऐसे ही आपके आशीर्वाद से मैं आपको एंटरटेन करती रहूं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जल्दी मिलेंगे सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर।